चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है हमारा sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए, और हमको इसको प्रूफ करना है cos स्क्वायर a अपॉन वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। इसके LHS को अगर हम देखें तो यहाँ पे sec और tan के फॉर्म में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी ना, जबकि RHS में साइन और कॉस के फॉर्म में। तो हम अगर LHS लेके चल रहे हैं तो पहले तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, राइट। तो sec a को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए माइनस ऑफ, टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह इस यहाँ पर भी sec a की जगह आ गया वन अपॉन कॉस ए प्लस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों को सेपरेटली अपन ने सॉल्व किया तो इनका एलसीएम आ गया कॉस ए, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा, ये हुआ वन माइनस साइन ए, स्टेप क्लियर है। अपॉन यहाँ पर भी एलसीएम आ गया हमारा कॉस ए, और न्यूमरेटर ऐड होके हो गया वन प्लस ऑफ साइन ए, ओके। अब यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो सिर्फ हमारा बचा वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, ओके। अब देखिए हमको वन प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइजेशन किया तो यहाँ पर इसके साइन अपोजिट करके मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, क्लियर है, ओके। अब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस बी के प्लस पे साइन ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो इसका हो गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था, क्लियर। चलिए 36 को सॉल्व करते हैं। अब 36 में LHS RHS किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए LHS यहाँ हम ले लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हमको LHS में गिवन है। अब जब हम RHS को देखें तो डिनोमिनेटर में हमको यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन सॉरी कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देते हैं, जिससे यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और यहाँ पर आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए का, तो देखिए डिनोमिनेटर का तो वन माइनस कॉस ए आ गया, और न्यूमरेटर में हम वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर एक साइन कैंसिल, तो बचा सिर्फ हमारा साइन ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, ओके। चलिए इसी तरह चलिए 37 में हमको अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड में हमको प्रूफ करना है sec a प्लस ऑफ tan a के। तो चलिए देखिए स्क्वायर रूट की क्वांटिटी है, आप हमेशा रेशनलाइजेशन कीजिएगा जिससे कि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा ऑलवेज। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, साइन ए हमने रेशनलाइजेशन किया डिनोमीटर का, तो यहाँ वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना होगा, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अभी हमने एज इट इज रहने दिया अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब ये स्क्वायर रूट से ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ वन प्लस
साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए, हमने टर्म्स को सेपरेट किया तो वन अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। वन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक ए, प्लस ऑफ साइन थीटा साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं टेन ऑफ ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ओके क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि है अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, और इसको हमको प्रूफ करना है टू टाइम्स ऑफ कॉस एक ए। ओके तो देखिए आप एक अप्रोच ध्यान रखिए कि जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें अंडर रूट हो या फिर रेशियो फॉर्म में हो, पी बाई क्यू फॉर्म में हो, तो उस तरह की सारी प्रॉब्लम, लगभग सारी प्रॉब्लम रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके हम LHS को लेके चलते हैं जो कि है अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, तो इसको भी अपन रेशनलाइजेशन करते हैं इसके डिनोमिनेटर को, तो वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया होल रूट ऑफ प्लस ऑफ, सेम इसके साथ भी करते हैं अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, तो रेशनलाइजेशन में इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देते हैं, तो वन प्लस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए का यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया। ओके आगे सॉल्व किया इसे तो ये हो गया वन माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, दोनों सेम ही हैं टर्म्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, तो जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए। ओके सेम इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह, न्यूमरेटर में दोनों ही सेम हैं, तो वन प्लस कॉस ए का ये हो गया होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में लग गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी, तो ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ओके तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर से भी ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टर्म बचे हमारे पास वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। राइट सेम यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को अगेन हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो साइन के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट गया, तो बचा वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ऑफ ए। राइट अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो LCM आ गया हमारे पास साइन ऑफ ए, न्यूमरेटर आपस में ऐड हुआ, तो वन माइनस कॉस ए प्लस ऑफ वन प्लस कॉस ए। राइट यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, वन प्लस वन मिलकर हो गया टू अपॉन साइन ऑफ ए, और वन अपॉन साइन ऑफ ए को हम लिख सकते हैं कॉस एक ए, तो हमारा आंसर आ गया टू टाइम्स ऑफ कॉस एक ए, जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए साथ साथ क्वेश्चन नंबर 39 को भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको LHS में गिवन है sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। ठीक है तो देखिए बहुत आसान है, इसको भी हम LHS को लेके चलते हैं और साइन और टेन, सॉरी sec और टेन को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। ठीक है तो sec को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए माइनस ऑफ टेन को साइन कॉस में लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी अभी चल रहा है। ओके अब देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वन माइनस साइन ए न्यूमरेटर में आ गया, आपस में ऐड हो गए, और LCM आ गया इन दोनों का कॉस ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर। राइट अब वन माइनस साइन ए और कॉस ए को हमने सेपरेटली स्क्वायर लगा देते हैं, तो जो कि हो जाएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज रहा, अपॉन इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम जानते हैं,
न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज़ रहा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा वन माइनस साइन ए इन टू वन प्लस साइन ए। क्लियर ही आइडेंटिटी। अब वन माइनस साइन ए से ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ऑफ ए, जो कि हमारा आर एच एस है। क्लियर। चलिए साथ साथ क्वेश्चन नंबर 40 को भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमको एल एच एस में दिया है वन माइनस साइन ए सॉरी कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है। ठीक है, अभी हमने एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस को ले आए थे, हम आर एच एस को लेकर एल एच एस भी ला सकते हैं। तो देखिए ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है ना, यहाँ पर एल एच एस में वन प्लस वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, यहाँ पर वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, जो कि आर एच एस में, यहाँ पर एल एच एस में। तो चलिए हम इसके भी एल एच एस को लेकर चलते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए इसको लेकर चले तो हम एल एच एस बहुत ईजिली बना सकते हैं, जिस तरह हमने ये किया था। यहाँ पर सिंपल हमको कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखना है, यहाँ कॉस ए को वन अपॉन साइन लिखना है, जिसे कि हमने यहाँ सेक और टैन को लिखा था और सॉल्व किया था। बट अब इसमें हम एल एच एस इसका लेकर चलते हैं, जो कि एक नई मैथड हो जाएगी, इस तरह तो हम सॉल्व कर सकते हैं। खैर हम एल एच एस से भी इसको देखते हैं। तो वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। ठीक, अब हमको करना है क्या है, हमको रेशनलाइजेशन करना है। हमने रेशनलाइजेशन किया डिनोमीटर का, तो वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए से हमने मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया, जो ये मेथड लगाई थी इसी की रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और डिनोमीटर में आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, राइट। और हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर ये स्टेप। अब इसके बाद हमने साइन ए से दोनों ही टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, तो वन अपॉन साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट, का होल स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है। वन अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस एक ए, और कॉस अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉट ए का होल स्क्वायर, राइट। अभी हमारा आर एच एस आ चुका है। क्लियर, बट हम यहाँ देखें, हमको कॉस एक नेगेटिव में, हमारा यहाँ कॉस एक पॉजिटिव में आया, यहाँ पर कॉट पॉजिटिव में या कॉट हमारा नेगेटिव आया, तो देखिए होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस बाहर आएगा तो स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो कॉट है नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो जाएगा, और जो कॉस एक पॉजिटिव का था वो यहाँ नेगेटिव का हो जाएगा। ओके, क्लियर है प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा वन अपॉन sec a माइनस वन प्लस वन अपॉन sec a प्लस वन। इसको हमको प्रूफ करना है टू टाइम्स ऑफ cos a इंटू cot a। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम LHS लेके चलते हैं तो हमारी अप्रोच ये होना चाहिए कि हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मर्ज करें, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वो दोनों टर्म्स की टर्म्स एक ही है जो कि मर्ज होकर आई है। ठीक है, तो इसको मर्ज करने के लिए भी हम LCM लें या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसमें। ठीक है, तो देखो sec a प्लस वन का वन के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया sec a प्लस वन, और यहाँ पर sec a प्लस वन का वन के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया प्लस ऑफ sec a माइनस ऑफ वन। डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो a माइनस बी इन टू ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हुई, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस ऑफ वन। अब यहाँ पर वन से वन कैंसिल हो गया, sec a प्लस sec a हो मिलकर हो गया टू टाइम्स ऑफ sec a अपॉन। अब देखिए आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो होती है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होती है, राइट। तो हम जो वन राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा और टेन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा। तो हम sec स्क्वायर ए माइनस वन को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, स्टेप क्लियर है, इक्वल। ओके, अब इसके बाद हमको यहाँ देखिए कॉसेक लेके आना है, तो कॉसेक के लिए साइन ए हमारे पास यहाँ है, और कॉट के लिए हमको साइन अपॉन कॉस बनाना पड़ेगा। क्लियर, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम टू टाइम्स टू को तो चीज़ बाहर रहने देते हैं, सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ऑफ ए अपॉन, हम टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए,
राइट, रेसिप्रोकल फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पर कॉस से एक कॉस को हमने कैंसिल किया तो बचा हमारे पास कॉस अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर, ना लिखकर मैं इसको साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। ओके, और ये जो कॉस अपॉन साइन ए इससे मिलकर बन गया कॉट ए, और 1 अपॉन साइन से मिलकर बन गया कॉसेक ऑफ ए, जो कि हमारा आर एच ए से। क्लियर है प्रूफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं, जो कि सेम है इसी तरह से। हमको करना क्या है, देखिए हमको साइन और टैन, साइन और कॉट में फंक्शंस गिवन है, जबकि इसके जो प्रूफ है उसमें सिर्फ साइन और कॉस है, तो हम टैन और कॉट को इन टर्म ऑफ साइन कॉस कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अपन टैन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन 1 माइनस टैन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ साइन ए, न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहा, और कॉट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ऑफ ए, राइट। अब इसके बाद न्यूमरेटर को हमने दोनों के डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं, तो कॉस ए अपॉन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ऑफ अपॉन यहाँ पर कॉस ए भी आएगा प्लस ऑफ साइन ए, यहाँ पर न्यूमरेटर में एज इट इज़ आया, यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ऑफ ए, राइट। रेसिप्रोकल फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो कॉस ऊपर पहुँच गया, तो इसके साथ कॉस का साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए। स्टेप क्लियर है। अब यहाँ पर भी साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन है और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस आ गया, तो जो कॉस है वो हमारा पॉजिटिव हो गया और साइन हमारा नेगेटिव हो गया। ये इसलिए क्या, क्योंकि दोनों का डिनोमीटर सेम हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोनों का हम एलसीएम लें तो एलसीएम आ गया हमारा कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए, और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो गया जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए। मैं यहाँ पर अपनी स्टेप सेव कर रहा हूँ, बट आप एग्ज़ाम में कंप्लीट कीजिएगा जिससे आपके मार्क्स ना कटें, ठीक है। और जो भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है उसको आप साइड बाय साइड मेंशन भी ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन कैंसिल, तो बचा सिर्फ कॉस ए प्लस ऑफ साइन ए, जो कि हमारा आर एच एस है। ओके, अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा मैं कई सारी स्टेप्स बचा रहा हूँ, आइडेंटिटी जो अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ लिख नहीं रहा हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि हमको पता है हम क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर ये प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आती हैं तो आपको सारी स्टेप्स के साथ वो आइडेंटिटी भी मैंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 41 की तरह। देखिए हमने 42 के अंदर एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमको आर राइट हैंड साइड पे जो प्रूफ करके लेके आना था वहाँ पर भी दो टर्म्स आ रही थी जो कि सेपरेटेड थी, इसलिए हमने इसका एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए सिंपल सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर लिया था क्योंकि इन दोनों टर्म्स को हमको मर्ज करना थी, तो ये जो प्रॉब्लम है 43 ये बिल्कुल 41 की तरह है, हमको अगेन देखिए टर्म्स को मर्ज करना है तो हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कॉसेक ए प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉसेक ए से हुआ, तो मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉसेक ए, राइट। कॉसेक ए का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होने पर ये आया, अब कॉसेक ए का इनके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो अगेन ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉसेक ए, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग गई माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक ए कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, मिलकर हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन
आइडेंटिटी रिकॉल कीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिल जाएगा, और जो माइनस है कॉट एक है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, राइट। देखिए बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसको हमने चेंज किया, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ हमारा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, जो कि हमको प्रूफ करना था। ओके क्लियर है, नोट कर लीजिए।